हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली कुकिंग विद पायल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे हम बेसन के सेब की नमकीन कैसे बना सकते हैं, जो कि बनाना बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके थ्रू इसके लिए आपको बाज़ार से कुछ नहीं लाना है, घर के ही हम कुछ सामान से इस नमकीन को बना करके तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसमें शेयर करूँगी कि बेसन के सेब की जो मशीन होती है उसको कैसे यूज़ करते हैं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, कोई भी टिप और ट्रिक आपसे छूटनी नहीं चाहिए, ताकि आप भी इसी तरह के परफेक्ट बेसन के सेब सिंपल तरीके से घर में बना करके एंजॉय कर सकें। उसके लिए मैंने अब यहाँ पर राजधानी बेसन लिया है, आप कोई भी बेसन यूज़ कर सकते हैं। राजधानी बेसन थोड़ा सा मोटा होता है, यहाँ पर आधा किलो मैंने बेसन लिया है, जिसमें मैंने एक चम्मच के करीब हींग डाली। हींग अगर आप पसंद ना करें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, ये घर की ही पिसी हुई है, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है। साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, ताकि रंग इसका काफ़ी अच्छा आ सके। और हम यहाँ पे डालने वाले हैं थोड़ी सी अजवाइन, आधी चम्मच के करीब, कैरम सीड्स जिन्हें हम कहते हैं, उसको हाथों से क्रश करके इसमें मिला दीजिए। अब हम इसको बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हमने यहाँ पे ऐड किया है नमक, यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। नमक को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं 3/4 मैंने यहाँ पर ऑयल यूज़ करा है। ऑयल में मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ करा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। वजन से आपको बताऊं तो आधा किलो बेसन में मैंने यहाँ पर 150 ग्राम के आसपास ऑयल यूज़ करा है, जिसे हमने अच्छे से बेसन के साथ, ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ चुका है, क्योंकि इसमें हमने हल्दी ऐड करी थी और मोइन बहुत अच्छे से लग चुका है। अब मैंने उसी कटोरी में 1 कटोरी पानी ले लिया है, जो मैं थोड़ा थोड़ा करके सब इसमें ऐड कर दूँगी। हाँ, अगर आप बारीक बेसन यूज़ करते हैं तो हो सकता है शायद थोड़ा कम लगे, लेकिन इस बेसन के साथ 1 कटोरी इतने बेसन में लग गया था, 1 कटोरी पानी। धीरे धीरे आप ऐड करेंगे, ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए इसका डो बन करके तैयार है। पानी के साथ आप इसे अच्छे से नीट कर लीजिए, देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है। थोड़ी देर हम इसे रेस्ट करने देते हैं। जब तक ये रेस्ट कर रहा है, तब तक मैं आपको बेसन के सेब की मशीन कैसे यूज़ करनी है वो बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके की बेसन की सेब की मशीन आती है, इस तरह की ये जाली मैंने इसमें, क्योंकि मुझे इसी साइज़ के बनाने हैं, ये मेरी ऑलरेडी लगी हुई है। बाकी इसके साथ और तरीके की जालियाँ भी आती हैं, आप जो अपनी पसंद करें उस शेप के अनुसार इसमें लगा सकते हैं। लेकिन हमने डो में अजवाइन ऐड करा है, इसलिए आप इसको बारीक जाली से ना निकालें, इसी थोड़ी मोटी जाली के साथ ही इसे यूज़ बनाएं सेब। अभी देखिए इस तरह से, ये इस तरह से खोल करके हम इसकी जो बेसन की जाली होती है वो इसमें अपनी पसंद अनुसार चेंज कर सकते हैं। इसको एक अच्छे से टाइटली करिएगा, नहीं तो जब हम इसे दबाते हैं मशीन को, प्रेशर देते हैं, तो वो साइड से लीक हो सकता है, इसलिए अच्छे से उसमें कर दीजिएगा। थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। अभी देखिए हमारा जो डो था वो रेडी है। इस तरह के लॉक बना करके इसके अंदर आप डालते जाइए और इसे अच्छे से फिल कर लीजिए। ये देखिए मैंने इसका पिस्टन ऊपर की तरफ कर दिया है, अब मैं इसे इसके साथ अटैच कर दूँगी और हम इस तरह से हैंडल दबा करके इसको कढ़ाई में बेसन के सेब निकाल लेंगे। यहाँ पे ये देखिए कढ़ाई में बेसन ऑयल मैंने अच्छा गर्म कर लिया है। यहाँ पे हमें फ्लेम को फुल ही रखना है, लो फ्लेम पर बेसन के सेब नहीं बनते हैं। ये देखिए डालते ही इस तरह से बेसन एकदम सिकना चाहिए और इस तरह से हम अपने सभी बेसन को ऑयल के अनुसार आप इसमें डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे पूरा ही डाल दिया है, जितना मैंने इसमें बेसन लगाया था। इस तरह से नाइफ से कट करके आप इसमें डाल दीजिए और जैसे ही नीचे की लेयर सिक जाए, 2 मिनट में ही आप इसे टर्न कर लीजिए, क्योंकि ये फुल फ्लेम पर ही सिकते हैं, इसलिए बहुत जल्दी सिक जाते हैं। इसके लिए हमें बहुत टाइम नहीं लगता है फ्राई करने में, 5 से 7 मिनट में ही ये सिक करके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए अब बिल्कुल तैयार है, हम इसे निकाल लेंगे।
इसे आपको छलनी वगैरह पे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सभी ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरीके से हम अपने बाकी के बैचेस भी डाल करके अपने सभी बेसन के सेप बना करके तैयार कर लेंगे। गर्म में ये थोड़े नरम लगते हैं लेकिन ठंडा होते ही ये अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। ठंडा होने पर आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए और इसे आप महीनों तक अपने टी टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज, कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।